को इस घर का मालिक समझ बैठ। तबरेज आए तो आप उसे कह दीजिएगा कि अदन अब उसकी जिंदगी में नहीं रह सकती है। और अगर उसने ये बात ना मानी डैड, तो मुझसे, मेरी बेटी से और इस ऐशो आराम से उसको हाथ धोना पड़ेगा। सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। और ये फैसला अब उसके हाथ में है डैड, नहीं छोड़ूंगी मैं। ओके बेटा, ओके, काम डाउन, परेशान ना। You need to eat something. आज मंगवाता हूँ। स्टाफ, स्टाफ, इसका ब्रेकफास्ट लेके आओ और मेरी मेडिसिन्स भी साथ लेके आना। बीबी जी, मैंने आपका बेडरूम साफ कर दिया है। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ अपनी बेगम साहिबा और घर का काम क्या करें? मैं अपने काम खुद करने की आती हूँ। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? मैं ये सोचती हूँ, आप तो इतनी अच्छी हैं, तो फिर सर जी ने दूसरी शादी क्यों कर ली? इस बात का जवाब तो आपके साहब जी दे सकते हैं। मेरी बात का शायद आप बुरा मान गई हैं। दूसरों की खोज में रहना अच्छी आदत नहीं होती। ये देखें अब्बा, अच्छी पिक्चर्स है ना, प्यारी लग रही है ना अमल। चादर पा, आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं अचानक, कुछ दिन और रुक जाते। बस यार, छोटा सा ही सही, लेकिन अपना कारोबार तो है ना। उर्फी चला तो गया है, लेकिन कल्ला संभाल नहीं पाएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं ही कह रही थी कि वो ना इसको जल्दी जरा भिजवा दे, आजकल वहां नौकर शौकर नहीं है तो मुझे काफी मसला है। अम्मा, आप वहां पे अपने लिए एक मुलाजिम रख लीजिए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अब दुर्योधन वहां नहीं आएगी। ये क्या बात की है तूने? माफ सही है तेरा, सुंबल भला इसको बर्दाश्त करेगी? इससे मैं खुद बात कर लूंगा। सुन रहे हैं आप इसकी बातें? हाथ धो गई वैसे, पता नहीं क्या जादू की है इसने, इसकी वजह से यानी मेरे साथ ये सवाल जवाब कर रहा है। यार तेरी माँ ठीक ही कह रही है, चल कोई नहीं तू रख ले, पर थोड़े दिनों के बाद भेज देना दुर्योधन को। नहीं अब्बा, फैसला कर लिया मैंने, दुर्योधन अब वहां नहीं जाए। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी है, अल्लाह जाने क्या जादू की है इसने, लेकिन मैं तुझे ये बता दूं कि तेरी कामयाबियों के रास्ते में ये दीवार बन जाएगी, पछताना पड़ेगा तुझे, देख ले तू, डर डर कर ही खत्म हो गया। अम्मा प्लीज। चल कोई नहीं, तुम लोग अपना ख्याल रखना, और तो प्लीज उतनी थोड़ा अकल से काम लेना। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जितनी भी जायदाद है ना, ये सुंबल और उसके पियू के नाम है। तेरी हैसियत अब भी यहाँ पे एक मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं है। जानता हूँ, लेकिन तुझे मुलाजिम से मालक बनना है मेरा पुत्र, मालक।
और तू बन सकता है, तेरे अंदर ये टैलेंट है। बस थोड़ा अकल से काम लेगा तो ये मुश्किल काम बहुत आसान हो जाएगा, बन जाएगा तू मालिक इस जायदाद का, क्या समझा? मैं अमल को लेकर आती हूँ, आप लोग उससे भी मिल। बाबू, आप लोगों का सामान मैंने बाहर गाड़ी में रखवा दिया, चले आ, चल भी आ जा। मैम ये आपकी मेडिसिन। पूनम, कबीर साहब आ गए? वो तो घर पर ही है। कब आए, कहाँ है? वो एक्चुअली उनकी फैमिली घर वापस जा रही है, तो दैट्स व्हाई वो उनके पास बैठे हुए हैं। इसे लो, इसको सुनो, उसे आपको बुला के लाओ। आओ तो प्लीज बैठो, मेरे पास बैठो ना। यू नो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, फाइनली तुम्हारी फैमिली यहां से चली गई। लेकिन तब्रेज आइंदा ध्यान रखना, तो यहां आप कभी ना आए, खासकर वो, मैं उसे तो क्या, उसका जिक्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तब्रेज। दुर्योधन कहीं नहीं गई है सुंबल, तो यही है इसी घर में। What? वो यहां क्या कर रही है तब्रेज, उसे तुमने क्यों नहीं भेजा? Tell me, जवाब दो मुझे। यहां पे क्या कर रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ क्या कर रही है, तुमने उसे क्यों नहीं भेजा उनके साथ? रिलैक्स करो पानी, वो समझ सी क्या खुद को तब्रेज? काम डाउन, जरा जरा सी बात, जरा सी बात नहीं है तब्रेज। लिसन टू मी, मैं समझ नहीं आ रही, ये जरा सी बात लगती है तुम्हें? हाँ जरा सी बात है, तुमने उसे मेरे सर पे मुसल्लत कर रखा है तब्रेज, इस घर की मालकिन बना रखा है, उससे अभी और सी वक्त निकालो, मैं कह रही हूँ अभी निकालो उसको। हिम्मत, तुम समझते क्या मुझे, हाँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ? तुम सोच भी नहीं सकते तब्रेज मैं उसका क्या हाल करूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, ये चार पैसे दे के उसको उठा लूंगी और उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी तब्रेज, में समझती क्या वो खुद को, समझती क्या वो खुद को? यही इलाज है उसका, यही इलाज और यही करना पड़ेगा मुझे इसके साथ। हाथ छट गए, दो कुड़ी लड़की के लिए छोड़ूंगी, काले दिल की निकली है शफक, अपना घर तो बसा नहीं सकी, मेरा बसा बसाया घर खराब करने पे तुली हुई है। खैर फिक्र ना कर तू, क्लीन कोई इतना भी बेवकूफ नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। इस मसले का एक ही हल है मां, पैसा देके क्लीन को अपनी मुट्ठी में कर लो। पैसा दूंगी ना तो सारी जिंदगी मेरे आगे सर नहीं उठा सकेगा, ये शफक भी ना जल जल मरेगी। हाँ कहती तो तू ठीक है। तो जब कहती ठीक हूँ अम्मा, तो मेरी बात पे अमल क्यों नहीं करती?
अच्छा खासा मौका है, वो बददिमाग तो पड़ी है मजदूरों के बिस्तर पे। भाई हमें जितनी भी रकम देंगे उससे पता थोड़ी चलने लगा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई उससे इतना डरते क्यों है। अम्मा मैं तो कहती हूँ भाई बहाने से ना जाली कागजात पे सुंबुल से दस्तखत करवा ले और उस पे साफ साफ लिखवाएं कि मैं बाखुशी अपनी रजामंदी से अपनी सारी जायदाद अपने शौहर के नाम करती हूँ। मैंने बड़ी मूवीज में देखा है ये तरीका बड़ा अच्छा है अम्मा, सोचे। हाँ पर तबरेज को भी तो ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है ना, बगाने कारोबार पे जान मार दी उसने, दिन रात एक कर दी। खैर करूंगी तेरे अब्बा जी से बात, देखो क्या कहते हैं। बल्कि अम्मा ये जो शफक मेरे बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलाती फिर रही है ना, मैं तो कहती हूँ भाई और अब्बा को खुद बता दे, किसी और से सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। कहती हूँ मैं अम्मा कुछ करें, कलीम को समझाएं, उसका दिमाग खराब कर रही है वो। फिक्र ना कर तू, अल्लाह बेहतर करेगा, करूंगी बात तेरे बाजी से। फिक्र ना कर मेरी बेटी, अल्लाह ख्याल करे मनोज जैसी। बैठे बिठाए मुसीबत क्या करूंगी मैं। तुम्हारी कॉल आ रही है। जूही कब से तुम्हारा छत पे इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब अम्मा की तबीयत कैसी है? हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत बेहतर नहीं, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं अकेली। आप किसी को भी बुला लें, हम उन्हें इस कंडीशन में घर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। किसको बुलाऊंगी, अम्मा के अलावा तो मेरा कोई भी नहीं। Look here. सूर्यदान जी, ताई जी आई, सूर्यदान आई। ये कुछ चीजों की लिस्ट है जो अमल के लिए चाहिए, मैंने लिस्ट बना दी है। क्या हुआ तब्रेज़,
सब ठीक है। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात, जब मैं तुम्हारे घर आया था? मुझे सांप ने काट लिया था, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था। इनफैक्ट तुम सबका ही ख्याल रखती थी, सबके काम करती थी। उस वक्त भी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल थकन नहीं होती थी, और आज भी तुम्हारे चेहरे पर वही वही इत्मीनान। सच कहूं तो अब मुझे तुम पे रश्क आता है। लेकिन ये सुकून और इत्मीनान पाना मुश्किल तो नहीं? बस अगर इंसान अल्लाह से लौ लगा ले, बहुत आसानी से ये सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाता है। तुम ये कह सकती हो लेकिन हम जैसे ख्वाहिशों के गुलाम नहीं। जिंदगी भर अपनी जरूरियात की जस्तजू में भागते रहते हैं, बस इतना भागते हैं कि एक वक्त आता है कि खुद को कमा बैठते हैं। ये शोर कैसा है? संबल क्यों चीख रही है? क्या हुआ है? बेसकूनी का वो शोर है जो मेरे अंदर खोल रहा है, मैं जब्त कर रहा हूं। संबल दूसरों पे चीख क्यों से निकाल रही है? दोनों ही सुकून की तलाश में, वो सुकून जो तुम्हें मुयस्सर है। ओ पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के ये हीले। ये कहीं नहीं जाएगी, ये फैसला मेरा है। मम्मी एक लफ्ज और नहीं, तुम कैसे भूल गई हो ये कि रेहान की रगों में हमारे खानदान का खून दौड़ रहा है? तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। सदके जाऊं, नाश्ता कर ले, सारा दिन भूखी पड़ी रहती है, दिल मेरा अभी फिर धक धक करता रहता है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही अम्मा अब्बा। भूख कैसे लग सकती है अब्बा? भला मेरा कैसे चक्कर हो सकता है किसी के साथ? इतना गंदा इल्जाम। अच्छा ले मेरा पुत्र, इसको इनकार नहीं करते और लोगों की बकवास पे प्यार नहीं देते। वो इन लोगों का तो काम है बकवास करना, ये नहीं रुकेंगे, करते रहेंगे बकवास। और वो जो दो बदबख्त औरतें हैं ना, वो इस वक्त चोट खाई नागिन की तरह है। लेकिन पुत्र तू बेफिक्र हो जा, वो कुछ भी कर ले और तेरा कख नहीं बिगाड़ सकती वो। क्या समझ? लेकिन अब्बा डर तो लगता है ना, अगर कलीम उनकी बातों में आ गए तो मेरा तो बसा बसाया घर खराब हो जाएगा। अब्बा जी, बताना था आपको कि सीमेंट का नया माल आज आ जाना, वो दाम में रखवा दूंगा, पेमेंट भी करनी होगी। अहे बस कर दे माल को पेमेंट को, कभी घर की तरफ भी ध्यान दे दिया कर। देखा है तेरी बहन किन हालात से गुजर रही है, कैसी कैसी आजमाइशें पड़ी हुई हैं हमारे पे।
बताएं, इसको जरा बताएं कि हमारे घर की इज्जत पे उंगलियां उठाई जा रही है, और वो कर कौन रहा है? वो दोनों औरतें कुत्सिया और शफक ने तेरी बहन के किरदार पे उंगली उठाई है, किसी और बंदे का नाम लिया कलीम के सामने कि इसका कोई अल्लाह माफ करे चक्कर चुक्कर है। बस आओ नाश्ता कर। अब्बा जी मेरा मशवरा है आपको, इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसके घर वापस भेज दें, बाद में पछताना ना पड़े। जा रहा। तो नाश्ता तो कर लो मां साहब। लिखवा ले, आप दोनों मुझसे लिखवा ले, ये जो उर्फी भाई है ना अभी तक उस शफक चुड़ैल की पट्टियों पे है, वो ही सिखाती है और ये अमल भी करते हैं। क्यों सोच रही है ऐसी बातें, तलाक हो गई अब नहीं करता होगा, ऐमी ना वहम किया कर। फजूल भाई कहने दे अम्मा, आप नहीं जानती उसे, वो बड़ी मक्कार है। उर्फी भाई का जो रवैया है ना ये आप दोनों नहीं देख रहे, मैं देख रही हूँ, मुझे नोटिस हो रहा है। आप सुन रहे हैं ना, बस चुप करके सुनते रहेगा, करना कराना कुछ नहीं है आपने। क्या हो गया है तुम दोनों, अब क्यों बोल रही हो तुम दोनों? चूही का पीहू अभी जिंदा है, ये जो मर्जी कर ले, कख नहीं बिगाड़ सकते मेरी थी। और मेरी हयाती में मेरी बेटी को कोई बुरी नजर से देखे मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। ना, ऐसा नहीं हो सकता, तू बेफिक्र हो जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आ जा चल जा बस, बस बस थोड़ा सा पता, थोड़ा सा खा। नहीं अब्बा दिल नहीं चाह रहा। कर ले ना, चल उठा ये अंडा पकड़, चल पराठा ले, कर कराए आप जबरदस्ती कराए, और ना तकलीफ दे हमें, चल थोड़ा सा खा। नहीं भूख मर गई है। शफक तुम क्या, वो सब खैरियत है ना, तुम रो क्यों रही हो? नहीं उर्फी खैरियत नहीं है, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनको और मजीद दिनों के लिए एडमिट करना पड़ेगा। तो आप किसी को बुला लें, मुझे समझ नहीं आई और इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। अच्छा अच्छा तुम रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। कौन से अस्पताल में? जनरल हॉस्पिटल। मैं आ रहा हूं। शफक क्या हुआ खालक? उनकी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना तुम वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मिल सकता हूँ खाला से? नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, दो तीन दिन रखेंगे हॉस्पिटल में। शफक तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, मैं सब संभालूंगा। सभी एक रिश्ता टूटा है मुझे, दूसरा रिश्ता तो है ना, तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगा। लाओ मैं ये दवाइयां ले आता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम्हारे यहां जाना काफी है मेरे लिए। क्यों कह रही हो ऐसे? ये खाला है मेरी,
और ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती। दो मुझे ये दवाई लेके आते। तुम बैठो, मैं ला रहा हूं। अम्मा देखे कौन आया। उर्फी तू। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी तबीयत है आपकी? आप इस वक्त ऐसी बातें मत करें, आप फिक्र ना करें, आपकी तबीयत कहीं खराब ना हो, बस टेंशन नहीं लेनी। जब तक आप अस्पताल में है ना, मैं आता जाता रहूं। तो हमें माफ कर देना। खाला मैंने कहा ना, आप टेंशन मत लें, हम बाद में बात कर लेंगे। उर्फी तुम अपने दिल पर हाथ रख के बता, क्या हमारी मोहब्बत में खोट था? क्या हम ऐसे दूसरे से बदगुमान थे? नहीं ना, ऐसे तो कभी भी नहीं रूठते थे हम एक दूसरे से। अगर पत्थर पर भी कतरा कतरा पानी पड़ता है तो एक ना एक दिन वो भी पिघल जाता। जूही ने ऐसा ही किया मेरे साथ, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो आज तक यही नहीं समझ सका। मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? ऐसे होते हैं लोग उर्फी, किसी के भी सगे नहीं होते। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन सच बताओ, सारा कसूर सिर्फ चूही का ही नहीं, तुमने भी तो उसके हर बात पर बगैर किसी तस्दीक अंधा यकीन कर लिया। मैं तुम्हें समझाता रहा, मिन्नतें करता रहा, अपने किरदार की गवाही देता रहा, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। पता है, दुनिया में इज्जत सिर्फ औरतों की नहीं होती, मर्द भी बाकिरदार और बावकार होते हैं। और जब ऐसे मर्दों पर इल्जाम लगाया जाए
उनके किरदार कशी की जाए, झूठे बहुतान लगाए जाए तो टूट जाते, बिखर जाते। और यही दुनिया उन्हें अंधेर लगने लगती है। ठीक कह रहे हो, से बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने क्यों जूही की बातों पर एतबार कर दिया। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, सब तबाह हो गया, जिंदगियां उजड़ गई। अब किस बात की माफी और तलाफी? माफी का वक्त निकल गया। डॉक्टर से मिल गया, बैठी हुई है। मैं पूरे घर में वाजे मार रही हूँ, सिर पीड़ हो रही है, ये ले चाय पी, गोली भी देती हूँ तुझे मैं। अम्मा इसकी जुर्रत तो देखें, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। किसकी? एक ही तो है जो मेरे गले अजाब डल गए। कोई नहीं बेटा, वो कहीं मेरे घर में मोबाइल इधर उधर रख के भूल गया, चार्ज पे लगाया होगा ना, ऐसी तो कोई बात नहीं, इस तो नहीं कर सकता वो। ये सब कुछ ना अम्मा आपकी बहन और उसकी मनहूस बेटी की वजह से हुआ है। मैं बताए दे रही हूँ, अगर कलीम इनकी बातों में आया ना तो मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओहो नहीं कुछ होता, तू ना फिक्र कर, मैं करती हूँ बात तेरे अब्बा जी से, तू फिक्र ना कर, ये चाय पी और तुझे दवाई भी देती हूँ। सुबह उर्फी भाई की बातें कम थी, जो ऊपर से ये कलीम, इस सब में आप लोगों का हाथ है, आप लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। नहीं छोड़ देना, कह रही हूँ कुछ नहीं होता, मैं बात करती हूँ तेरे अब्बा जी से। तू सिर पीड़ हो रहा है, पहले दवाई खा। रहने दे माँ, दिल जल रहा है मेरा। हाँ है दवाई तो, चाय तो पी ले। अजीब कुड़ी है वैसे, पागल ही होगी। मैं कितनी बार कहा है मैं नहीं खाऊंगा खाना, मेरी बजाय तुम जाके मुसम्मल बीबी का ख्याल करो ना। मैं तो रहता हूँ। आपने खाना भी नहीं खाया और दवा भी नहीं ली। ऐसे ही प्लीज मुझे मजबूर मत करना, तुम जाओ यहां से, मैं कोई बात करने के मूड नहीं। Thank you.
देखें कैसे देख रही है आपको। मुस्कुरा रही है, शायद आपसे बातें करना चाह रही है। मैं करूंगा अपनी गुड़िया से बात। कैसे हो, क्या खाना खाया? कैसे खाएगी जब आपने कुछ नहीं खाया? ये बात तो है, तो खाना ही पड़ेगा। और दवा भी लेनी पड़ेगी। इस नन्ही सी गुड़िया के लिए आपको एक सेहतमंद जिंदगी गुजारनी होगी। जी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी उन्हें कह दिया वो आ रही हैं। तुम अमल के पास जाओ। जी बुलाया मुझे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? और क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम तबरेज को मुझसे छीन लो और मैं कुछ नहीं करूंगी? बोलो, जवाब दो। जवाब दो, क्यों आई हो तुम यहां पे? मैं कुछ पूछ रही हूं। कासिब नहीं हूं मैं। हमारे मजहब में ना ही जुल्म करने और ना ही जुल्म सहने की इजाजत है। मैं यहां सिर्फ अपने हक के लिए बात करने आई थी। तुम सदके खैरात में पलने वाली मेरा मुकाबला करोगी? मेरा? अपने हक की बात करोगी मेरे सामने? एक बात कान खोल के सुन लो तुम। तबरेज को मैंने खरीदा है। आई ऑन हिम।